साजिद भाई की मेहनत। एक डेग रेडी हो चुकी है। गाइस आप लोग देख ही सकते होगे, हम लोग आए हुए हैं बग्घर क्योंकि हम लोग को ये अपनी नोवा पार्क करना है आज। और आज आप लोगों को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी की हार्दिक बधाइयां, क्या मुबारकबाद। ओके गाइस, और अभी जल्दी जल्दी गाड़ी को पार्क कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आज थे गाइस जो हमारी गाड़ी पार्क करवाने जिन्होंने मदद करी, वो है चाचा। चाचा हेलो कर दीजिए। अच्छे ही रहना। तो गाइस अब चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं आगे का सिस्टम क्या है। यहाँ पर अभी निकल रहा है जुलूस, तो अभी आप लोग देख सकते हो। सरकार की बस्ती में हमारे आसपास बहुत लोग बैठे हुए हैं, इस चक्कर में मैं आराम से बोल रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, अब आगे का शेड्यूल वगैरह आपको दिखाते हैं। घर पे पीली तहरी की बैग वगैरह बन रही है 4, वो सब आपको दिखाऊंगा। और आप लोग हैदर भाई को तो जानते ही होंगे, इंटरनेशनल में जो पढ़ते हैं। और क्या बताऊँ बस गाइस, ये हमारे हैदर भाई ने न्यू परचेस करा है हैदर भाई, मुबारक। शकल है तुम्हारी, छोड़ो। एक डेग रेडी हो चुकी है और दूसरी डेग रेडी हो रही है। सामने अपने वही बबुए चाचा आ चुके हैं। चाचा हेलो कर दो। हेलो। और नहीं चाचा आप भी हेलो कर दो। हेलो। कितनी बनाओगे चाचा अड्डे के, 4 या 3? 5 बनाएंगे। 5, 4 यहाँ की और एक भाई। अच्छा, बिरयानी। ठीक है, बढ़िया लग रही है चाचा। ये देख अच्छा सकते हैं। एक ये बन गई, एक अंदर वो जा रही। कितनी बन चुकी है, 3 या 4? 3। एक अभी पेंडिंग में, इसका मतलब कहीं डालते हो हमारा। हाँ हाँ, यूट्यूब पे डालते तो चाचा का भी तो कर डाला। देख दिखाया अभी, ये भी पिछली बार भी डाला था हमने, पहले चपाती रोटी पका रहे थे, तुमने डालेंगे। रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर आलू बन चुके हैं। यहाँ पर मम्मा, हाँ लिली पलेट मम्मा। अब प्लेट में निकलवाते हैं तहरी, फिर आपसे मिलते हैं गाइस। सिस्टम हम यहाँ से प्लेट 2 आए। और आप लोगों को बताइए, मैंने नोवा बग्घर में पार्क कर दी हुई, यहीं पर बिठा के खिला देंगे सबको। वाओ सिस्टम, पकड़ो एक तो पकड़ो। अभी गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे उमर बाबू सो रहे हैं, मगर इनका ड्रेसअप देखिए कितना प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए सारा अब भी झाँक रहा है मुझे, और आप लोग मुझको तो देख ही सकते हो कैसा लग रहा है। मैं ज़्यादा तो इसमें नहीं लगता हूँ, मगर सही लग रहा हूँ मैं, मगर उमर आज पूरे घर में बहुत नंबर 1 लग रहा है। यहाँ पर गाइस नियाज वगैरह हो गई है, और जैसे कि लोग अब खाना खाने लगे हैं तो वो आपको जाके दिखाते हैं, और मैं भी उनके साथ शामिल हो जाता हूँ, और मैं भी खाता हूँ फिर अपनी तहरी। साजिद भाई की मेहनत गाइस। उमर बाबू माम करो। वाह, ए ए ए ए तो कुमड़ो गए। आप अभी पीछे आ जाइए सर प्लीज। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारे सामने है फब्बी, तो मैं सोच रहा हूँ अज्जू भाई की रिस्पांसिबिलिटी जो है मेन करेक्टर की, वो फब्बी के ऊपर दे दी जाती है, जैसे कि मेन करेक्टर का बैच फब्बी पे लगा दिया जाता है। तो फब्बी अगर मैं आपको, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको मेन करेक्टर बना दिया है यूट्यूब का, तो आप मेरे ब्लॉग में क्या करूँ ऐसे जो बंदे एंटरटेन हो जाए, आप बताइए कुछ। कुछ भी मतलब आप क्या ऐसा करोगी जो गाइस हैं मेरे हंसें और एंटरटेनमेंट हो और आपको चाहने लगे, बताइए जल्दी बोलिए। क्या पता नहीं। आप हेलो करोगी, हाय करोगी, ड्राइंग वर्क दिखाओगी, पढ़ाई दिखाओगी, क्या दिखाओगी, मैं ये पूछ रहा हूँ बाबू। पढ़ाई। और आप लोग देख सकते हो ऊपर के नीचे से अज्जू भाई को, तो अज्जू भाई आपको कैसा लग रहा है, मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फब्बी को दे के रखी है। अच्छा लग रहा है, मगर आपके आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं आ रहे हैं, सही में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मिल नहीं पाती है। अच्छा,
उनमें से एक हम भी थे, हमें इतने दिनों से कोशिश कर रहे मिल नहीं रही थी, मिली तो वो भी चली गई। ओके, मगर अभी ये डिपेंड होता है गाइस के ऊपर कि वो तुमको ज़्यादा वोट करते हैं क्या इस फब्बी को वोट करते हैं। आपको तो गाइस को पता ही है आप क्या क्या एंटरटेन करते हो, उंगली टेढ़ी कर दो। ये देख वेरी गुड गाइस, ये इसके अंदर एक खूबियत है और वैसे भी ये आपका एंटरटेनमेंट बहुत कराता है। तो गाइस आप भी फब्बी उधर चले जाइए तो आपको बेट वोट करना पड़ेगा। ए का मतलब है अज्जू भाई, बी का मतलब है फब्बी। तो वोट करके बताइए आपको कौन चाहिए ब्लॉग में।